हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय होगा, उसके बाद सही आंसर हाईलाइट हो जाएगा। इसलिए आप सभी समय से पहले अपना आंसर जरूर दें। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। ऑप्शन ए विक्रमशिला, बी तक्षशिला, सी उदंतपुरी या डी नालंदा। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है डी नालंदा। बिहार के बड़गांव में स्थित नालंदा भारत में सबसे प्राचीन बौद्ध विहार है। 5वीं सदी के मध्य में कुमार गुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ और गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। तो ध्यान दीजिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश में हुई थी और उसका संस्थापक गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था, लेकिन विश्वविद्यालय का जो निर्माण कराया था वो कुमार गुप्त ने कराया था, ये गुप्त वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए सुगुप्त गिन, बी महमूद गजनी, सी अल्पत गिन या डी मोहम्मद बिन कासिम। समय शुरू होता है। सही आंसर सी अल्पत गिन। ध्यान दीजिएगा साथियों, अल्पत गिन एक तुर्क सरदार था। उसने 932 ईस्वी में गजनी वंश की स्थापना की और गजनी को अपनी राजधानी बनाया। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी है, यानी कि गजनी को यामनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। और अल्पत गिन का गुलाम तथा दामाद जो है वो सुबुक्त गिन था, जो 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। और महमूद गजनी जो है वो सुबुक्त गिन का पुत्र था। अपने पिता के समय महमूद गजनी है वो खुरासन का शासक था। तो ये अल्पतगिन जो साथी था, इसने गजनी वंश की स्थापना की थी। और ये सुबुक्तगिन है, ये अल्पतगिन का गुलाम और दामाद दोनों था। और महमूद गजनी है वो सुबुक्तगिन का पुत्र, यानी कि महमूद गजनी का पिता कौन था, सुबुक्तगिन था। और सुबुक्तगिन किसका दामाद था, अल्पतगिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी सुभाष चंद्र बोस या डी सरदार भगत सिंह। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है ए बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 32वां अधिवेशन 1916 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। उस समय इस अधिवेशन का अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इसी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था, यानी कि कहा था। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हुआ। इसे लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो 1916 के अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एवं इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति या डी साइंस एवं टेक्नोलॉजी मंत्री। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है बी प्रधानमंत्री। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि इसे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कहा जाता है, हिंदी में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है ए लोकसभा। अनुच्छेद 73C के अनुसार मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या जल से हल्का होता है।
ऑप्शन ए मैग्नीशियम, बी सोडियम, सी एल्युमिनियम या डी कॉपर। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है बी सोडियम। सोडियम जल से हल्का होता है, हल्का होने के कारण यह जल पर तैरने लगता है। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे निर्वात या तेल में रखते हैं, यानी कि सोडियम को निर्वात में जहाँ पे कोई हवा ना हो या तेल में रखा जाता है। यह जल से विस्फोट के साथ क्रिया करता है और वायु में यह पीली लपट के साथ जलता है। तो सोडियम जो है साथियों जल से अभिक्रिया करने के साथ विस्फोट करता है और पीली पीली लौ के साथ जलता है। तो आपने देखा होगा कभी कभी जादू टोना करने वाले मुट्ठी में कुछ लिए रहते हैं, ऐसे पानी में फेंकते हैं तो आग लग जाती है, वो एक्चुअली सोडियम पाउडर होता है और कुछ नहीं होता है। इसलिए सोडियम जो है जल में वो फेंकते हैं तो जल से क्रिया करके विस्फोट के साथ जलने लगता है पीली लौ के साथ, तो वही कहते हैं जादू। तो वो अपने मुट्ठी में सोडियम लिए रहते हैं, ऐसे जैसे जल में फेंकते हैं तो आग के साथ जलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? ऑप्शन है जड़ रहित पौधों को, बी कीट भक्षी पौधों को, सी जली पौधों को या डी लवणिक पौधों को। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है सी जली पौधों को। बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट यानी कि जलोद्भिद्धि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए अरुणिमा सिन्हा, बी पीटी उषा, सी बछेंद्री पाल या डी संतोष यादव। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है डी संतोष यादव। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं, जबकि संतोष यादव जो है वो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला है। और प्रश्न में दूसरी महिला के बारे में पूछा गया है, इसीलिए सही आंसर संतोष यादव है। अगर प्रथम महिला पूछा जाता तो बछेंद्री पाल होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को सफेद हाथी की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए थाईलैंड, बी उत्तर कोरिया, सी दक्षिण कोरिया या डी मलेशिया। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है ए थाईलैंड। थाईलैंड को सफेद हाथी की भूमि कहा जाता है। थाईलैंड में सफेद हाथी जो है उनको पवित्र माना जाता है और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। याद रखिएगा, थाईलैंड को सफेद हाथी की भूमि कहते हैं। और हजार झीलों की भूमि किसे कहते हैं? फिनलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित हो, ना निर्यात ना ही आयात हो, केवल निर्यात होता है, केवल आयात होता है। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है बी ना निर्यात और ना ही आयात होता है। बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज इकोनॉमी ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो विदेशी व्यापार से अलग होती है। अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था में अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। अर्थात बंद अर्थव्यवस्था वाले देश का किसी अन्य भी देश के साथ वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी आदि का आदान प्रदान नहीं होता है, तो ऐसी व्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब जिससे कोई विदेशी व्यापार किसी देश का दूसरे देश से विदेशी व्यापार ना हो, उस देश की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहलाएगी। साथियों वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।